मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, माई डेस्टिनी डिड नॉट स्टैंड बाय मी। वह अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पिता मित्तल, दिस वेलकम टू इंग्लिश इज मस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे जो डेली लाइफ के हम सेंटेंसेस यूज करते हैं हिंदी में, उनकी ट्रांसलेशन देखेंगे कि उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स, हम जैसे बोलते हैं मजबूरी का फायदा मत उठाओ, ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ, इस टाइप के सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स ड्रॉ द क्लिप। ये फर्स्ट टू सेंटेंसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वह अपनी बीवी के इशारों पर नाचता ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून्स। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, आई हैवंट टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज्ड टू टॉकिंग मच। यूज टू मतलब उस चीज की हैबिट होना। मुझे ज्यादातर अकेला रहना पसंद है, आई मोस्टली लाइक बींग अलोन। बुरा लगा, जैसे हम कुछ बोल देते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि आपको बुरा लगा ये बात, तो डिड यू गेट ऑफेंडेड, कैसे आना हुआ। जैसे कोई घर पे आता है या कोई किसी से मिलने जाता है तो हम पूछते हैं कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माई हेल्थ इज नॉट गुड फॉर अ फ्यू डेज। बातों को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, बढ़ा चढ़ाकर हमें पता है कि एग्जैजरेट बोलता है उसको, डोंट एग्जैजरेट थिंग्स। मेरा कुछ करने का मन नहीं है, आई एम नॉट इन मूड टू डू एनीथिंग। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई कंपल्शन। पिता ने बेटी को गले लगाया, गले लगाने को हग भी बोलते हैं, बट एक और वर्ड है जो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा एप्रोप्रिएट इस टाइप की सिचुएशन के लिए, वो है एम्ब्रेस्ड। फादर एम्ब्रेस्ड हिज डॉटर, उसे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट इन्फ्यूरेट हर। मेरी जासूसी करना बंद करो, स्टॉप स्नूपिंग मी। दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करो, यानी कि मत दो, डोंट इंटरफेयर इन अदर्स मैटर्स। मैं अपने काम से काम रखना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू माइंड माई ओन बिजनेस। तुम छोटी छोटी बात पर बिगड़ जाते हो, यानी कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो। यू फॉल आउट ओवर ट्रिवल थिंग्स, ट्रिवल मतलब बिल्कुल ही जो अनइम्पॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट ही नहीं होती बिल्कुल भी, बिल्कुल छोटी छोटी। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नॉट वर्थ टू मेक हिम अंडरस्टैंड। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो, डोंट फोकस ऑन हियरसेज। तुम में इतना घमंड क्यों है, घमंड को वैनिटी भी बोलते हैं, व्हाई इज देयर सो वैनिटी इन यू। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, टेक आउट दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, यू शुड रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें यह कहने का कोई हक नहीं है, यू डोंट हैव एनी राइट टू से दिस। तुम अभी भी नींद में हो, यू आर स्टिल अस्लीप। मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। अभी उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज हिम एट वंस। अभी की अभी को बोलते हैं इंग्लिश में एट वंस। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, आई हैव फॉरगिवन यू। वह सिर्फ अपने पापा की बात सुनता है, ही ओनली लिसन्स टू हिज पेरेंट्स। यहाँ पर पेरेंट्स नहीं, फादर आ जाएगा। अगर अपने मम्मी पापा की बात सुनता है तो अब हम यूज करेंगे ही ओनली लिसन्स टू हिज पेरेंट्स। ज्यादा डींगे मत मारो, डोंट बोस्ट टू मच। डिंगे मारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोस्ट। डिंगे मारना मतलब अपनी तारीफ बहुत ज्यादा खुद ही करना। तुम्हें ये कहने का हक किसने दिया, हु गेव यू राइट टू से दिस। हमारी मर्जी हम कुछ भी करें, वी विल डू वॉट एवर वी वॉन्ट। भगवान की कृपा से मैं टेस्ट में पास हो गई, आई पास द टेस्ट बाय गॉड्स ग्रेस। कृपा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेस। तुम्हें मेरी कसम, स्वेयर बाय मी,
या आई स्वेर यू भी बोल सकते हैं। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा, ही स्काउल्ड एट मी, गुस्से से देखने को इंग्लिश में होता है स्काउल। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी, शी विल गेट वेल सून ग्रेजुअली, धीरे धीरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रेजुअली। उसको जगाना सही नहीं होगा, वह गहरी नींद में, तो गहरी नींद को क्या बोलते हैं साउंड स्लीप। ही इट वुडंट बी राइट टू वेक हिम, ही इज साउंड स्लीप। फ्रेंड्स ये थे कुछ सेंटेंसेस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, वहां पर हम छोटे छोटे क्विजेस सॉल्व करते हैं और शॉर्ट वीडियोस भी कवर करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।